तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ओनली फॉर नीचे लर्न मोर का ऑप्शन हो रहा है जो कि यहाँ पे लिखा मनीष यूर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। एंड गाइस यहाँ पे आपके सामने बगल वाला इमेज स्क्रॉल करके दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड का हमारा ऑप्शन आ गया था। एंड यहाँ पे बगल वाला और इमेज स्क्रॉल करके दिखा रहा है मनीष लेटेस्ट यूर सिक्योर यूर अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे बगल वाला इमेज और स्क्रॉल करके दिखा रहे देख सकते हो बूम यहाँ पे इस बंदे का फाइनली अकाउंट ओपन हो गया था। तो गाइस आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट को अनलॉकेड कैसे करते हैं पूरा वीडियो को जरूर आपको वॉच करना है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल असन में एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत हमारे न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे दोस्तों, आज का वीडियो काफी खास होने वाला गाइस आप लोगों के लिए। अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉकेड में गया है तो गाइस आप उसे अनलॉकेड कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। तो कैसे अनलॉकेड करते गाइस, अगर आपके फेसबुक अकाउंट में नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो रहा है अगर आप उस पर क्लिक करते हो, एंड क्लिक करने के बाद वहाँ पे अगर आपके सामने ओटीपी का कोई भी ऑप्शन नहीं मांगता है फोन नंबर का या ईमेल का, गैस वहाँ पे आपके सामने अगर आइडेंटिफाई का ऑप्शन मांगता है, अपलोड फोटो का ऑप्शन मांगता है, तो गैस उससे कैसे अपना फेसबुक अकाउंट हम ओपन करें। तो गैस अगर आइडेंटिफाई का भी ऑप्शन मांगते हैं तो टेंशन ले लें, जरा सी बात नहीं है, आइडेंटिफाई से भी अपने आप आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंड ओपन होने के बाद आपका फेसबुक अकाउंट एकदम से ओपन हो जाएगा। गैस क्या रीजन है जो कि फेसबुक अकाउंट बहुत लोगों का लॉकेट में जा रहा है, गैस लॉकेट में भी जा रहा है, हैक भी हो रहा है। तो गैस अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं इस टॉपिक पे, तो आपको सीधा जाके नीचे वीडियो के टाइटल पे क्लिक करके वॉच कर लेना है। तो गैस सबसे बड़ी बात यह, अगर आपके फेसबुक अकाउंट आपसे अनलॉकेड नहीं हो पा रहा तो टेंशन ले लें, जरा सी बात नहीं है, आपको वीडियो को टाइटल पे क्लिक कर देना। गैस आपको फर्स्ट पे नीचे इंस्टाग्राम का हमारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो एंड गैस वहाँ पे मैसेज पे बात कर सकते हो। तो गैस फटाक से इंस्टाग्राम को जरूर जाके फॉलो कर लेना गैस, अगर आपका फेसबुक अकाउंट में नीचे गेट स्टेटस का ऑप्शन आता है एंड उस पर क्लिक करते हो आप, वहाँ पे ओटीपी का या फोन नंबर का ईमेल का ऑप्शन नहीं देता है, ना ही डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देता है, अगर वहाँ पे आइडेंटिफाई का ऑप्शन दे रहा है या अपलोड फोटो का ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ पे आप अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो गाइस पूरा वीडियो को जरूर आपको मुकम्मल देखना है, पूरा वीडियो को जरूर लास्ट तक वॉच करना है, अगर आप पूरा देखते हो गाइस वीडियो तभी आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइस कैसे ओपन करते हैं यहाँ पे देखते हो, जो कि ये बंदा हमें इंस्टाग्राम पे मिला था, यही बंदे का आज अकाउंट हम ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा गाइस, यहाँ पे जो ट्रिक करेंगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस कैसे करते हैं तो चलिए आपको एक छोटा सा आपको इंट्रो दिखा देते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो कि अमित यूआर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड गाइस, यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन नीचे खाली ओनली फॉर शो हो रहा है। गाइस यहाँ पे अगर आपके सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो होता है गाइस, उस पर क्लिक करते हो आप तो वहाँ पे ना ही फोन नंबर का ऑप्शन आता है कि अपने फोन नंबर पे आप क्लिक करके ओटीपी भेज के अकाउंट को ओपन कर सको, या डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपके सामने ओनली फॉर आइडेंटिफाई का ऑप्शन शो हो रहा है या अपलोड फोटो का। तो गाइस अपलोड फोटो से कैसे निकालते हैं, आइडेंटिफाई से कैसे निकालते हैं, हम आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। तो गाइस पूरा वीडियो को जरूर आपको लास्ट तक देख लेना गाइस, अगर मेरे चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, इसी तरीके से आपको फेसबुक से रिलेटेड न्यू वीडियो तो आपको रोज मिलते रहते हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना गाइस, अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, वीडियो इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस फटाक से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो आपको टू स्टेप को फॉलो कर लेना गाइस, अगर आप टू स्टेप को फॉलो कर ले जाते तो आपके सामने गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो जाएगा या अपने आप आपका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आ जाना गाइस, आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू टैब को ओपन कर लेना गाइस। गाइस आपको ये ट्रिक क्रोम ब्राउजर में कोई सी ब्राउजर में करना है गाइस, अगर आपका ये ट्रिक क्रोम ब्राउजर में नहीं करते तो फेसबुक में नहीं वर्क करने वाली है गाइस, जो कि ट्रिक हम लेके आए हैं 100% वर्क करेगी गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो गाइस यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रिवेंटिंग, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रिवेंटिंग लॉगिन इशू। तो गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट को, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सीधा वेबसाइट में ओपन हो सकते हो गाइस। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना गाइस, इसी तरीके से फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं हम, आप क्रोम ब्राउजर पे क्लिक कर देना गाइस, देख सकते हो हम ब्राउजर में ओपन हो गया, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे एक टेक्स्ट मिल जाएगा, जो कि यही टेक्स्ट को आपको देख के यहाँ पे टाइप कर देना गाइस। टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो हम वही टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर दिए गाइस, आपके सामने इसी तरीके से टेक्स्ट नीचे मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है नीचे, इसमें टेक्स्ट में नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फोन नंबर एंड 5 फ्रेंड के यहाँ पे नाम देना होता है। गाइस आपको यहाँ पे सीधा दे देना है, देने के बाद आपको क्या करना है गाइस, हम थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करते हैं, सब नेम एंड डेटा पर सब कुछ दे देते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि अकाउंट नेम हम डाल दिए, आपको इसी तरीके से अकाउंट नेम देना है एंड डेट ऑफ बर्थ देना है गाइस। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल देना है, जो कि ईमेल अटैच हो फेसबुक से गाइस, अगर अटैच नहीं है फेसबुक पे यहाँ पे ईमेल अटैच, आपको नंबर भी दे सकते हो यहाँ पे। एंड नंबर देने के बाद गाइस यहाँ पे फ्रेंड नेम आपको दिख रहा होगा नीचे, आपको 5 फ्रेंड का नेम दे देना जो कि आपके लिस्ट में फ्रेंड ऐड हो।
तो गाइस देख सकते हो हम नाम भी डाल दिए, इसी तरीके से आपको नेम डाल देना है, चंदन कुमार अभिषेक, इसी तरीके से आपको जो भी नेम हो फ्रेंड लिस्ट में वही नेम यहाँ पे आपको दे देना गाइस। यहाँ पे आपके सामने कुछ शो हो रहा है चूज फाइल का ऑप्शन, तो गाइस आपको चूज फाइल में क्या सिलेक्ट करना है, आपको अपने फेसबुक अकाउंट में वापस ले लेना गाइस। वापस जाने के बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन शॉट ले लिया आपको इसी तरीके से कि स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेना है गाइस। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको उसी वेबसाइट में ओपन हो जाना है, वेबसाइट में ओपन होने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना गाइस और वही स्क्रीन शॉट आपको यहाँ पे दे देना है गाइस। हम दे देते थोड़ा वीडियो को स्टॉप करके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि वही स्क्रीन शॉट हम वहाँ पे लिए थे, यहाँ पे स्क्रीन शॉट उसको आपको इसी तरीके से फ्लप कर देना गाइस। फ्लप करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है सेंड का ऑप्शन, तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। गाइस देख सकते हो हम सेंड पे क्लिक कर दिए, आपको इसी तरीके से सेंड पे क्लिक कर देना है गाइस। ये फर्स्ट स्टेप अगर आप फॉलो कर ले जाते हो इसी तरीके से आपके सामने गेट स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा गाइस। ऑप्शन आने के बाद अगर आपका फेसबुक अकाउंट आइडेंटिफाई में गया तो आइडेंटिफाई से कैसे निकाले गाइस, आपको क्या करना है, एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, यहाँ पे हम आपको क्या करना गाइस, आपको वीडियो को टाइटल पे क्लिक कर देना। वीडियो को टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट मिल जाएगी सेकंड नंबर के, आपको उस पर क्लिक करके वेबसाइट में ओपन हो जाना है सिंपली। तो गाइस देख सकते हो अगर आप वीडियो के टाइटल पे क्लिक कर दे तो आपके सामने सेकंड नंबर पे एक लिंक मिल जाएगी, अगर उस पर आप वेबसाइट पे क्लिक कर देते हो, लिंक पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गाइस आपको यहाँ पे कंफर्म आइडेंटिफाई में क्या करना गाइस, आपके सामने अगर आपका फेसबुक अकाउंट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो जाता है कंफर्म आइडेंटिफाई में, तो उस पर आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको चूज फाइल पे क्लिक करके वही स्क्रीनशॉट जो आप वहाँ पे लिए थे वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको डाल देना है सिंपली गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जो कि स्क्रीनशॉट हम लिए थे अमित तिवारी अकाउंट हस्बैंड लॉकेट का वही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे फ्लॉप कर देना गाइस। फ्लॉप करने के बाद आपको क्या करना गाइस, यहाँ पे आपको सेंड पे क्लिक कर देना गाइस। गाइस ये ट्रिक आपको क्या करना है, जब अगर आपका फेसबुक अकाउंट कन्फर्म आइडेंटिफाई में दिखाता तभी आपको ये ट्रिक करना है गाइस। आपको क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना गाइस। यहाँ पे देख सकते हो हम सेंड पे क्लिक कर दिए हैं। इसी तरीके से आपको टू स्टेप को फाइनली एकदम से फॉलो कर लेना, अगर आप फॉलो कर ले जाते हो तो आपके सामने आपका अकाउंट एकदम ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 घंटे का वेट करना है तभी अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है। बार बार अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन नहीं करना है, आपको लॉग आउट करके रख देना है। उसके बाद आपको 4 से 5 घंटे के बाद अपना फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एंट्री क्रोम ब्राउजर में गाइस करना है। तो गाइस देखते हो यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना है गाइस। चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।